तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों हाजिर हो चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस अब तक की इंडिया की सबसे बड़े बजट में बनने वाली मूवी जो आने वाली है जिसका नाम है रामायण, तो गाइस उसके रिलेटेड बहुत सारी अपडेट निकल कर आ चुकी हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि सबसे बड़े बजट में बनने वाली मूवी तो अभी तक अनाउंस की गई है SS राजामौली सर की, तो जी हाँ गाइस वो भी एक बड़ी मूवी है। लेकिन वो उस मूवी की अभी ऑफिशियल जो है शूटिंग स्टार्ट नहीं की गई, लेकिन ये जो रामायण मूवी आने वाली है इसकी शूटिंग शेड्यूल निकल कर आ चुका है। जी हाँ गाइस इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट की जानी है। कब की जानी है मैंने आप लोगों को एक बार पहले भी वीडियो में बताया है, लेकिन जिन लोगों को फिर भी नहीं पता, क्योंकि पिछले 2 से 3 दिन के अंदर अंदर और भी बहुत सारी अपडेट्स इसके रिलेटेड निकल कर आई है। इस मूवी की स्टार कास्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी है और मूवी का बजट भी निकल कर आ चुका है। इसके अलावा मूवी की शूटिंग अपडेट आप लोगों को एक बार फिर से बताऊंगा, इसलिए वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना। A to Z अपडेट देने वाला हूँ रामायण मूवी के रिलेटेड, इसलिए वीडियो थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कर दे। तो गाइस वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं मूवी की, जो स्टारकास्ट कन्फर्म कर ली गई है 101% की यही स्टारकास्ट होने वाली है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो वह सबसे पहले तो आप लोगों को रणबीर कपूर एज आ राम देखने को मिलने वाले हैं, ये 101% कन्फर्म है। फीमेल लीड आपको सई पल्लवी देखने को मिलेगी सीता माता के रोल में, ये भी कन्फर्म है। और अभी 2 से 3 दिन पहले ही कन्फर्मेशन मिली है कि जो हनुमान का रोल है वो करने वाले हैं सनी देओल जी। हमें सनी देओल आप लोगों को हनुमान का रोल करते हुए नजर आने वाले हैं। इसके अलावा गाइस तमिल के बहुत बड़े स्टार एंट्री मारने लगे हैं इस मूवी में, और वो है विजय सेतुपति जी। हमें विजय सेतुपति का नाम भी इस मूवी के साथ जोड़ दिया गया है, और अब आप लोगों को विजय सेतुपति भी इस मूवी में कोई करेक्टर प्ले करते हुए नजर आने वाले हैं। इसके अलावा विक्रांत मैसे, जिन लोगों को नहीं पता विक्रांत मैसे का, वो वही है जिन्होंने अभी अभी 12th फेल जैसी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी दी है, तो अब उनको भी जो है इस मूवी में ऐड कर लिया गया है और वो भी इस स्टारकास्ट में ऐड हो चुके हैं। इसके अलावा जो बड़ा नाम आप लोग सभी जानना चाहते हैं और वो है रॉकिंग स्टार यश का, और बहुत सारे लोगों के जहन में अभी भी जो है बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन जा रही है कि क्या रॉकिंग स्टार यश इस मूवी में आने वाले हैं या नहीं। तो अब आप लोगों को बता दूं कि 90% ये कन्फर्म हो चुका है कि रॉकिंग स्टार यश जो है आप लोगों को इस मूवी में रावण का कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आने वाले हैं, यानी कि आप 100% ही मान लो कि ये कन्फर्म हो चुका है कि रॉकिंग स्टार यश आप लोगों को इस मूवी में रावण का कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आने वाले हैं। अब इसको देखा जाए तो फैंस की दो अलग राय है। एक फैंस ये कह रहे हैं कि हम रॉकिंग स्टार यश को नेगेटिव कैरेक्टर में नहीं देख सकते, और दूसरे फैन वो हैं जो कहते हैं कि इतने के हमें जो है रॉकिंग स्टार यश से एक बेहतरीन कंटेंट चाहिए भले ही वो नेगेटिव रोल में हो। आप कौन सी फैंस रहे हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्या आप चाहते हो कि रॉकिंग स्टार यश नेगेटिव रोल करे या नहीं। मैं अगर पर्सनली चाहूँ तो मुझे भी लगता है रॉकिंग स्टार यश को नेगेटिव रोल नहीं करना चाहिए था। बाकी अब हो चुका है तो यही कन्फर्म है स्टारकास्ट, और यही आप लोगों को रामायण मूवी में स्टारकास्ट देखने को मिलने वाली है। बात कर लेते हैं आप मूवी की शूटिंग की, क्या अपडेट है। तो गाइस इस मूवी की जो शूटिंग है वो स्टार्ट की जा रही है। आप लोगों को पता है इस मूवी के डायरेक्टर हैं नितेश तिवारी, और उन्होंने कन्फर्म कर दिया है कि इस मूवी की जो शूटिंग है वो मार्च के मंथ में शूट की जानी है। जी हाँ गाइस मार्च के फर्स्ट वीक में 2nd of March जो है इसकी शूटिंग डेट निकल कर आ रही है कि 2nd of March से इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो कि एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। और आप लोगों को बता दूं कि रॉकिंग स्टार यश जो है इस मूवी में रावण का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं, उनका कोई ज्यादा रोल नहीं होने वाला, वो आप लोगों को एज अ कैमियो करते हुए ही नजर आने वाले हैं। वैसे तो वो मेन विलन रहेंगे, लेकिन एज अ कैमियो के तौर पर वो आने वाले हैं और सिर्फ लास्ट में आएंगे, मूवी के लास्ट में एज अ रावण आएंगे। और न्यूज़ें निकल कर आ रही हैं कि इस मूवी की जो है 3 पार्ट्स बनाई जाएंगी, यानी कि इस मूवी को 3 पार्ट्स में कंप्लीट किया जाएगा, और पहले पार्ट के लास्ट में आप लोगों को रॉकिंग स्टार यश की एंट्री करवाई जाएगी एज अ कैमियो, और पार्ट 2 में उनका प्रॉपर रोल होने वाला है। यानी कि पार्ट 1 में आप लोगों को सिर्फ रॉकिंग स्टार यश का एक छोटा सा कैमियो ही देखने को मिलने वाला है, और 2nd of March से इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो जानी है। बात की जाए मूवी कब तक रिलीज की जानी है, तो ये 2024 पूरा ही शूटिंग में जाने वाला है, 2025 और 2026 आधा साल, यानी कि 1.5 साल इसका पोस्ट प्रोडक्शन में जाने वाला है। जी हाँ गाइस इस मूवी का पोस्ट प्रोडक्शन का काम बहुत ही बारीकी से किया जा रहा है। आमतौर पर कोई भी बड़ी मूवी होती है तो उसका पोस्ट प्रोडक्शन का काम लगभग 6 माह या 7 माह चलता है, लेकिन नितेश तिवारी जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं उन्होंने कन्फर्म कर दिया है कि इसका जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो लगभग 1.5 साल चलने वाला है, जो कि एक बहुत ही बड़ा लंबा टाइम है।
और आप लोगों को एक बहुत ही मास्टरपीस मूवी देखने को मिलने वाली है। और इस मूवी का जो बजट है वह लगभग 700 करोड़ रुपए हो सकता है, थोड़ा सा बजट बढ़ जाए पोस्ट प्रोडक्शन मिलाकर। और ये बजट एक ठीक बजट है, इसमें से बहुत सारे स्टार्स ने जो है फीस नहीं ली, वो अपना शेयर लेंगे। जैसे कि रॉकिंग स्टार यश ने अपनी फीस नहीं ली, वो इस मूवी में से थोड़ा सा शेयर लेंगे, यानी कि जितना मूवी कमाएगी उसमें से थोड़ा सा जो हिस्सा है वो रॉकिंग स्टार यश को मिलेगा। और बहुत सारे और भी स्टार है जिन्होंने फीस नहीं ली, इसलिए मूवी का बजट कम है, मूवी की स्टार कास्ट बहुत बड़ी है। बाकी आप इस मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना। इसकी फ्यूचर की जितनी भी अपडेट्स आने वाली है उनको जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइस फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ।